नमस्कार दोस्तों, हूँ साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कुछ कार्यक्रम लेकर के आई हूँ जो आपके एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं, और ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हों, चाहे आपके TGT हो, PGT हो या NTA नेट का एग्जाम हो। तो देखते हैं इन प्रोग्राम को। दोस्तों, जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ये प्रोग्राम का उद्देश्य होता है मुख्य रूप से, जो हमने यहाँ पर लिखा है, ये ग्रामीण महिला एवं बच्चों का कल्याण करना, यानी ये वेलफेयर के लिए चलाई जा रही योजनाएं हैं, जो इसमें से सरकारी भी हैं और गैर सरकारी योजनाएं हैं। तो देखते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं इसलिए चलाए जाते हैं कि जो हमारी मोस्टली रूप से जो प्रोग्राम होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से लड़े होते हैं, और देखा जाता है कि जो ग्रामीण में रहने वाले लोग होते हैं वो मोस्टली रूप से कृषि पर आधारित होते हैं, कोई छोटा मोटा उद्योग या कोई कृषि या पशुपालन से संबंधित कार्य करते रहते हैं, लेकिन जो एक सिस्टमेटिक ढंग होना चाहिए, जो एक तरीका होना चाहिए, वो नहीं होता है। तो इनको कुछ कार्यक्रम के माध्यम से उनको स्वरोजगार दिया जाए, जिससे वो सही तरीके से सेल्फ डिपेंड हो सकें और अपना कोई रोजगार कर सकें। इसी उद्देश्य से सरकार के द्वारा या गैर सरकारी जो योजनाएँ सब चलाई जाती हैं, जिससे ग्रामीण में रहने वाले महिलाओं एवं बच्चों का और युवा महिलाओं का कल्याण हो सके और वो स्वरोजगार हो सके। चलिए देखते हैं। पहला हमारा द्वाकरा, जिसको बोलते हैं DWCRA, इसका फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरियाज, और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। और ये देखिए, जो हमारा IRDP है, ये IRDP के द्वारा एक समन्वित योजनाएं हैं, यानी एक तरीके से IRDP के द्वारा ये समन्वित किया गया, चलाया गया है आपका द्वाकरा। IRDP का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये इसका जो उद्देश्य है, इसका है शिक्षित, यानी शिक्षा का स्तर बढ़ाना, शिक्षित करना लोगों को, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार देना, ट्रेनिंग का मतलब यानी प्रशिक्षण देने का कार्य करता है कौन, द्वाकरा। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, पहले दूसरा है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। क्या है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना? ये 1 अप्रैल 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी, और ये मुख्य रूप से ग्रामीण लोगों को रोजगार देने के अवसर प्रदान करने का कार्य करता है। और एक चीज आपको बताऊं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये कि ग्रामीण लोगों को ऐसे, मतलब कृषि या पशुपालन से संबंधित ऐसे रोजगार उपलब्ध कराना जिससे वो सेल्फ डिपेंड हो सके। नेक्स्ट आपका आता है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये SJSY, यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यह जो है 1 अप्रैल 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी, और यह इसमें ये जितनी योजनाएं चलाई जा रही थी, इन सारी योजनाओं को खत्म करके, इनका एक समन्वित, मतलब एक तरीके से केवल इन 6 प्रोग्राम को खत्म करके एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसका नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और इसका मुख्य उद्देश्य था क्या था, लघु उद्योग खुलवा करके उसको स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य था। इसमें देखिए 5 अच्छे हैं, ट्राइसेम यानी ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है द्वाकरा डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरियाज, तीसरा आपका है IRDP यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट आपका सिट्रा है, ये सिट्रा भी आपकी कह सकते हैं इसका एक तरीके से ट्रेनिंग मतलब देता है रूरल एरियाज के लिए है। अब इसका आपको फुल फॉर्म आपको बताना है, सिट्रा का फुल फॉर्म क्या है और ये क्या कार्य करता है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर इसका, लगभग आप तीनों चारों का जानते हैं लेकिन आप सिट्रा का नहीं जानते, आपको एक होमवर्क है सिट्रा का क्या फुल फॉर्म। नेक्स्ट आपका आता है GKY यानी गंगा कल्याण योजना। नेक्स्ट आपका आता है TMW यानी 10 मिलियन वेल, यानी 10 लाख कुआं जिसको बोलते हैं, और गंगा कल्याण योजना, यानी इन सारी योजनाओं को मिला करके खत्म करके केवल एक योजना शुरू की, जिसका नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट चलते हैं NGO क्या है। NGO मतलब कि कह सकते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो गैर सरकारी संगठन होते हैं उनके द्वारा चलाई गई कुछ योजनाएं हैं। इसमें आपका पहला काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड
न्यूरल टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्टकट में कपार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कपार्ट कहते हैं। क्या है? काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण भारत का उत्थान करना और वर्तमान की जो दशा है उसमें सुधार करना, और भी जो योजनाएं चल रही हैं उनको भी उसमें हेल्प करना है, सहायता करने का कार्य करता है कपार्ट। नेक्स्ट आते हैं चेतना। चेतना का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल फॉर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशनल अवेयरनेस। फिर से देखते हैं, सेंट्रल फॉर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस। ये मुख्य रूप से मुख्य जो कार्य करता है आपका ये स्वास्थ्य, यानी ये सबसे पहले चेतना की शुरुआत आपके गुजरात में इसकी शुरुआत की गई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य था स्वास्थ्य शिक्षा पोषण की जानकारी देना और उनको उसके प्रति जागरूक करना, इसका मुख्य उद्देश्य था चेतना का। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा है सेवा। सेवा का फॉर्म होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन्स एसोसिएशन। क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन्स एसोसिएशन है, और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, और इसमें अनौपचारिक जो क्षेत्र में काम करने वाली जो महिलाएं होती हैं वो जो होती हैं महिलाओं को संगठित करके उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराना, जैसे कोई किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको एक जगह संगठित करके उनको स्वरोजगार पूर्ण रूप से दिलाने का कार्य हमारा सेवा करता है। अब देखते हैं कुछ नेशनल लेवल पे जो चलाई जा रही योजनाएं हैं, इसमें आपका नेशनल में ICCW, इसका है इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर। क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, और इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। कितने हुई थी? 1952 में हुई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य था जो बालक बच्चे हैं उन बालकों का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण का मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, इस तरीके से विकास करना उसका ICCW का मुख्य उद्देश्य था, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट पे आते हैं CSWB। देखिए ये जितने मैंने दिया है इसमें से आपके चाहे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, या कभी कभी इसका मुख्यालय पूछते हैं, या कभी कभी इसके जो है क्या ये काम क्या करते हैं ये क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने बहुत डिटेल नहीं लिया है, बस जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं वही क्वेश्चन वही टॉपिक को मैंने लिया है। नेक्स्ट CSWB है आपका सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, और इसकी स्थापना 1953 में है हुई थी, और ये सेमी गवर्नमेंट यानी अर्ध सरकारी संगठन है ये, और इसका जो मुख्य कार्य करता है ये क्रेच यानी बच्चों के केयर करने की जहाँ व्यवस्था की जो क्रेच की व्यवस्था करता है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम देता है, हॉस्टल यानी जो काम करने वाले लोग महिलाएं होती हैं उनको हॉस्टल की व्यवस्था कराना, प्री स्कूल यानी जो स्कूल नहीं जाते हैं उन बच्चों के छोटा सा स्कूल प्री स्कूल की व्यवस्था करना, और महिलाओं को प्रशिक्षण देने का कार्य करता है कौन? CSWB यानी सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। अब नेक्स्ट पे आते हैं CFTRI का फॉर्म होता है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च आपका इंस्टीट्यूट। क्या लिखा है? इंस्टीट्यूट, तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, और इसका मुख्यालय यानी इसकी शुरुआत हुई थी जहाँ पर मैसूर से इसकी CFTRI की शुरुआत की थी, और यह मुख्य उसका उद्देश्य है अनाजों को यानी जो अनाज होते हैं उस अनाजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का काम करता है। इसके साथ साथ जो माल्ट फूड यानी सप्लीमेंट फूड भी तैयार करने का काम करता है बच्चों के लिए, इसमें आपका माल्ट फूड आता है, संपूरक फूड आता है, मल्टीपर्पज फूड आता है, तो ये मतलब कि ये फूड प्रदान करने का काम या बनाने का काम आपका CFTRI करता है, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट हमारा है ICAR, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कृषि से संबंधित शोध करना और युवाओं के लिए कार्यक्रम चलाना, और लोगों को कृषि पशुपालन जो उद्योग से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको प्रशिक्षण देने का काम करता है, और ICAR के ही द्वारा KVK यानी कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी, जहाँ प्रशिक्षण देने का कार्य ग्रामीण लोगों को या कृषि में लगे हुए लोगों को ये दिया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है
आईसीएमआर। आईसीएमआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और ये भी मेडिकल से संबंधित शोध करने का काम करता है, और ये आईसीएमआर है। ये है हमारी वीडियो। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।